अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो पावर बैंक एक बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो पावर बैंक बहुत काम आता है। पावर बैंक में बहुत से वेरिएंट्स अवेलेबल है, जैसे कि 5000 mAh, 10000 mAh, 12000, 20000, बट ये डिपेंड करता है आपके स्मार्टफोन के बैटरी के ऊपर कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी कितनी कैपेसिटी की है, उस हिसाब से आपको पावर बैंक खरीदना है। जैसे आपके स्मार्टफोन की बैटरी अगर 2200 से 3000 mAh की है तो 10000 mAh का मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा अपने कस्टमर्स को खरीदने के लिए, क्योंकि 10000 mAh का पावर बैंक जो है वो 2 से 3 बार आपके स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे पावर बैंक के बारे में जानकारी दूंगा और कंपेयर करूंगा जो बहुत लाइट वेट भी हैं, रीजनेबल भी हैं और 10000 mAh के भी। वैसे तो बहुत से पावर बैंक अवेलेबल है मार्केट में, बट इस वीडियो में मैंने ऐसे दो पावर बैंक को कंपेयर किया है जो बहुत ही स्लीक है, कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट है, और इनकी कैपेसिटी 10000 mAh की है। तो ये है पेबल का PB44 मॉडल नंबर। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और दूसरी तरफ जो लेफ्ट साइड पे है वो है बारवा का PBB3122। इस पे कुछ खास स्पेसिफिकेशंस मेंशन नहीं किए हुए हैं, और ये इसके बॉक्स के कंटेंट्स हैं। डेटा केबल जो है माइक्रो USB डेटा केबल दोनों के साथ आता है। चलिए शुरुआत करते हैं बारवा के PBB3122 से। इस मॉडल की खास बात मुझे ये लगी है, इसका डिज़ाइन, इसका फॉर्म फैक्टर बहुत ही स्टर्डी है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसमें दो USB पोर्ट दे रखे हैं और टॉर्च लाइट भी दिया हुआ है, और पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे साइड पे है जो टॉर्च लाइट का भी काम करता है डबल प्रेस करने पे, और आगे की ओर डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है तो इसमें आपको पता चल सकता है कि बैटरी कितनी रिमेनिंग है। इसकी जो टॉर्च लाइट है वो काफ़ी पावरफुल है, और इसका जो कलर है मुझे खास करके अच्छा लगा है, जो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा कलर है। दिखने में काफ़ी अच्छा पावर बैंक है ये, बट इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो आगे की वीडियो में हम चेक करेंगे। पेबल का जो मॉडल नंबर PB44 है उसके साथ कंपेयर करके इसको चेक करेंगे कि कितने कम टाइम में या कितने ज़्यादा टाइम में ये अपने फ़ोन को, स्मार्टफोन को चार्ज कर सकता है। इस पर्टिकुलर मॉडल की आपको 6 मंथ्स की कंपनी की तरफ से वारंटी मिलती है, अगर कुछ डिफेक्ट आता है या कुछ ख़राब हो जाता है तो आप 6 मंथ्स के पीरियड में इसे रिप्लेस करवा सकते हो। तो ये है पेबल का PB44 जो बारवा के कंपैरिजन से काफ़ी स्लीक है, बट लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है बारवा के कंपैरिजन में, और इसमें एक खासियत यह है कि इसमें एडिशनल केबल भी दे रखे हैं, ये माइक्रो USB डेटा केबल इसमें अटैच्ड है और दूसरी तरफ टाइप सी का डेटा केबल भी अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक साथ 4 फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये 2 केबल के अलावा इसमें 2 पोर्ट भी दे रखे हैं जिसमें आप अपने डेटा केबल को अटैच करके फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। कंपेयर टू बारवा, पेबल में ये एडवांटेज है कि आप 4 फ़ोन को एक साथ चार्ज कर सकते हो, बट बारवा का एक अलग एडवांटेज ये है कि इसमें टॉर्च लाइट भी दिया हुआ है और आगे डिजिटल डिस्प्ले है, और दोनों ही पॉकेट फ्रेंडली है और लाइट वेट है। चलिए इनका परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं, कितने कम समय में या कितने ज़्यादा समय में ये अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकता है। पेबल का जो पावर बैंक है उसके बॉक्स पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो है क्विक चार्ज करता है, मतलब आपके फ़ोन को फास्ट चार्जिंग कर सकता है, और इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, ओवर चार्जिंग एंड ओवर डिस्चार्जिंग भी दे रखा है। बट ये जो टेस्ट किया है मैंने उसके हिसाब से अगर आप देखोगे एंड तक, 1 मिनट का जो है 1 मिनट 20 सेकेंड समथिंग अप्रॉक्सीमेटली जाता है, उसके हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो दोनों ही पावर बैंक ने सेम परफॉर्मेंस दिया है अप्रॉक्सीमेटली, खाली 19-20 का फ़र्क है दोनों में, और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो दोनों पावर बैंक जो है फुल बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 घंटा लगा देंगे। पावर बैंक जो है उसकी बैटरी को आप हमेशा रेगुलरली चार्ज करके रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एमरजेंसी के वक्त काम आता है, और अगर एमरजेंसी के वक्त आपके पावर बैंक की बैटरी नहीं होगी तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता है। तो इसको हर 25-30 डेज में फुल चार्ज करना बेटर रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन जो है पावर बैंक का लगभग सिमिलर है, दोनों ने लगभग सिमिलर टाइम लिया है 1% बैटरी को चार्ज करने के लिए, हालांकि मैंने टाइमर स्टार्ट करते वक्त 1-2 सेकंड का डिले किया था, बट दोनों का परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर है, सेम टाइम लिया है ऑलमोस्ट, जबकि बारवा ने 2-3 सेकंड ज़्यादा लिए हैं 1% चार्ज करने के लिए। वैसे तो बहुत से पावर बैंक अवेलेबल है मार्केट में, बट आपको खरीदते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको 10000 mAh कम से कम लेना चाहिए जो लाइट वेट हो और स्लीक हो और परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, यानी कि ब्रांडेड कंपनी का लेना बेटर है जहाँ आपको वारंटी आसानी से मिल जाए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने 2 पावर बैंक को कंपेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा @MAHESH TELECOM। शुक्रिया।